तो टाइम बिंग के लिए भाई गुड बाय कर लेते हैं घर को, और जय माँ मठेणा, जय माँ दुर्गे। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम फॉर द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा यार गांव में लास्ट दिन है, मतलब आज हम जा रहे हैं। तो आज हम पूजा लोगों के गांव जा रहे हैं चमोली, और हमने गाड़ी बुक करी है क्योंकि थोड़ा बारिश भी हो रही है तो दिक्कत हो सकती है ट्रैवलिंग करने में। तो यहीं से हम डायरेक्ट बुक करके जा रहे हैं गाड़ी। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 और सब लोग बस रेडी हो रहे हैं, तो चलते हैं गांव में। बस आज आखिरी दिन, इतना ही टाइम मिलता है भाई जॉब पे, 30 दिन की छुट्टी होती है सिर्फ। तो सब जगह जाना थोड़ा थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग भी होती है। मतलब साल 1.5 साल में आप सिर्फ 10 दिन के लिए पेरेंट्स को मिल पाते हो या किसी को भी मिल पाते हो, बट क्या कर सकते हैं, लाइफ ऐसी है, सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो और जॉब भी बहुत ज़रूरी है, तो वही वाला सीन है। मिलते हैं फिर आगे, बने रहो आप। तो लगेज अपना हो गया रेडी, और ज़्यादा लगेज नहीं है, एक अपना छोटा बैग, गुड मॉर्निंग, और एक ये भी है। इसे बैग खुले ही हैं अभी, है ज़्यादा इनको ओपन नहीं किया है, बस ट्रैवलिंग में ऐसे ही चल रहा है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आराम से मैं ले जा रहा हूँ। तो अभी हम करेंगे नानी जी को बाय। मुझे तो हमें नीचे मिलेगा, मुझे मेरे मुंह पे देख रहा तो टाइम बिंग के लिए भाई गुड बाय कर लेते हैं घर को, और जय माँ मठेणा, जय माँ दुर्गे। चलो भाई तुम लोगों को भी बाय, इन्होंने आतंक मचा के बुरे हाल कर रखे हैं इधर। बाय बाय भाई, चलते हैं फिर आगे, गाड़ी ऊपर वैसे भी वेट कर रही है, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। बाय, अब हम देर दिन में मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है, चलो चलना है। ठीक, फिर हाँ बाय। हाँ ठीक, जय हो माता दी। चाची ठीक भरा, बाय बाय, ध्यान रखा बच्चों का भी अपना भी। चाची चलो बाय बाय, हाँ ध्यान रखा। देखो भाई बच्चा पार्टी दौड़ के भी आ गया, फौज की भर्ती की तैयारी। चल प्राची बाय, हाँ बाय बाय। तो हम आ गए ऊपर रोड पे, और गाड़ी यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है। आज बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, मौसम तो बना हुआ बट होनी नहीं चाहिए बारिश। यहाँ से एक लास्ट टाइम, जब तक दोबारा आते हैं गांव का व्यू देख लेते हैं। बहुत क्या बताएं, फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं अभी। ये सवारी याद रहेगी बड़ियारगढ़ की ना। ठीक है, ओके बाय बाय। तो हम पहुंच गए भाई भाभी जी के घर, रास्ते में प्रधान जी मॉर्निंग।
थोड़ा उनकी मम्मी को भी बाय 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 करके चलते हैं फिर। हाँ सब बढ़िया, आप बता। यहाँ बन रहे मस्त मस्त कोदे की रोटी भाई। तो अब यहाँ से हम करेंगे भाई को बाय बाय, क्योंकि अब भाई देहरादून में नहीं आएगा, डायरेक्ट जाएगा यहाँ से ड्यूटी। चलो बैठ जाओ, उसकी छुट्टी वैसे ही कम थी तो वो जाएगा डायरेक्ट यहाँ से देहरादून, मतलब जोशीमठ जाएगा अपने ड्यूटी ज्वाइन करने। अभी मंदिर जो है काफ़ी अच्छा बना दिया, मतलब काफ़ी स्पेसेस है यहाँ पे, प्रॉपर सेग्रीगेट कर दिया, वरना जब भीड़ भड़ा का होता है ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। यार अभी बहुत चेंजेस कर दिए हैं मंदिर में, काफ़ी अच्छा बना दिया है अभी, मतलब जो है एंट्री का गेट और एग्जिट वाला गेट दोनों सेपरेट कर दिए हैं। तो अंदर तो यार बिल्कुल फ़ोटो खींचना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और इन चीज़ों की हमेशा रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, अगर रूल्स हैं तो फॉलो करने चाहिए। तो हमारे दर्शन हो गए, वो अच्छी बात है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो अभी है भाई नाश्ता करने का टाइम, क्योंकि हमें मंदिर आना था तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे, अभी भूख लग गई है और 10 भी बज गया है। यहाँ से हमें लगेगा अभी कम से कम 4 घंटे और, तो तब तक नाश्ता पानी कर लेते हैं। सोनू दा ढाबा एंड रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। हाँ जी चमोली वालों, तो भाई हम पहुँच गए हैं चमोली मार्केट में, और यहाँ से अभी हम लेंगे थोड़ी खटाई मिठाई, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जो है वो पूजा लोगों की नानी का गांव है, तो हमें जाना है उधर। हाँ जी कैसे लग रहा है नानी के घर आके? अच्छा लग रहा है, फुर्ती आ गई। देखो अपने घर आते हैं। यार ये व्यू देखो कितना जबरदस्त है भाई। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पूजलों की नानी के यहाँ। इस गांव का नाम क्या है? लुआ। क्या गांव? लुआ नाम है ना यहाँ का? हाँ भाव जी क्या नाम है इस गांव का? लुआ। लुआ हाँ, तो हम आए चमोली लुआ में, ये है पूजलों के नानी का गांव। बढ़िया का व्यू बहुत जबरदस्त है यार, देखो सामने पूरा, और ये जो नीचे वाला है ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो हम हो गए मतलब 1.5-2 साल बाद आ रहे हैं आज हम यहाँ पे, तो अब चलते हैं ऊपर यहाँ से, थोड़ा गांव का रास्ता है। मालिक साहब पहुँचो पहुँचो पहुँचो। ढोल नहीं है? ढोल ढोल। अरे नहीं बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये देखो जीजा जी, ये दामाद आ रहे हैं। कैसा लग रहा है ससुराल में सामान ले जाते हुए? अच्छा। ये है गांव का मंदिर जो कि बीच गांव में बना है। फेमस नानी जी जो एवर ग्रीन है, बिल्कुल ऐसी दिखती है हर टाइम, और हमें मिलती ही है रास्ते में। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं घर नाना नानी के, छोटी वाली
मेरे छोटे नाना नानी का घर है, ये उनके नाती पोते। ये दामाद जी पहुंच गए लेकिन इनकी एंट्री हुई नहीं, ग्रैंड एंट्री जैसे तुमने सोची थी। ये है मेरी मामी, ये लो क्या फोन पकड़ा दे। ये आ रहे मेरे नाना रोबोट की तरह। चंपा बनी चंपा, ठीक चा। इस गांव की लोकेशन भी बहुत बेहतरीन है यार, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम काफी अच्छा रहता है। ये है डॉक्टर साहिबा। मामी जी प्रणाम। चलो पहले आप बुजुर्ग लोग पहले। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के बाद भाई थोड़ा सा एक दो वीडियो शूट करने, और आगे मंदिर भी है बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं। और यहाँ लोकेशन जो है ना बहुत अच्छी लग रही है, तो जब तक मैं गांव में हूँ कोशिश करते हैं कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बना लें। तो ये वाला साइड है भाई गौशाला का, क्या क्या लोकेशन है भाई, मज़ा आ गया कसम से। जय हो। तो ये है भैरवनाथ का मंदिर, और ये जो है गांव में है, और ये मंदिर जो है मतलब पूजा के नाने लोगों के पूरे फैमिली का मंदिर है स्पेशल। जय भैरव बाबा। पहाड़ों का शुद्ध पानी, कोई मिलावट नहीं, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में नॉर्मल पानी। ये हमारी नानी जी, मेरी छोटी नानी, मेरी मम्मी की चाची हैं, ये व्लॉगर है मुझे अभी पता चला। इनके चैनल का नाम है सरिता व्लॉग उत्तराखंड। तो अभी हम सिखाने वाले हैं पूजा को घास काटना, क्योंकि बुढ़ापे में आना है गांव, तो ये सब चीजें भी आनी चाहिए।